बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरजाना नदीम। आज हम बना रहे हैं ज़ीरा बिस्किट। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं, एक कप मैदा है, एक अंडा है, हाफ कप चीनी है, थोड़ा सा ज़ीरा है, हाफ कप चम्मच से कम नमक है, एक पिंच के बराबर बेकिंग पाउडर है, मेल्टेड बटर है हमारे पास एक चौथाई कप। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बटर डाल दें पहले, चीनी और अंडे को, चीनी और बटर को मिक्स कर लें, मक्खन को। अच्छा सा मिक्स कर लें। अंडा शामिल कर दें, अच्छा सा मिक्स कर दें। मैदा डाल दें, बेकिंग सोडा भी डाल दें, नमक भी डाल दें। अच्छा सा मिक्स कर लें। सब मिक्स करने के बाद मैदा रस कर ले। ये अच्छे से हमारा मिक्सिंग हो गई है। हल्का सा मैदा, ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना। ज़ीरा लगा दें ऊपर, थोड़ा सा प्रेस कर दें।
के कटर है हमारे पास। जो शेप देना चाहते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। बाकी को हम दोबारा बेल लेंगे। ये हमारे पास प्लेट है, इसके अंदर हम ऐसे बना के रख देंगे। बीस पच्चीस मिनट में ये बेक हो जाते हैं हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाने ये। पतीली हमने पहले से चूल्हे पे रख दी थी 15 मिनट पहले, उसको हमने गर्म कर लिया था। ये हमारे तैयार हो चुके हैं, इसको हम बेक कर लेते हैं। ये हमारे पास पतीला है, इसको हमने पहले से 15 मिनट के लिए आग पर रख दिया था। के अंदर हम प्लेट को रख देंगे। इसको हम ढक देंगे ऊपर से 20-25 मिनट के लिए, फिर चेक करेंगे। केक हम बिस्किट हमारे बेक हो रहे हैं, हम आपको चेक करा देते हैं कि 20 मिनट और लगेंगे इनको बेक होने के लिए, फिर हम इनको निकाल लेंगे। बस ये हमारे आज के ज़ीरा बिस्किट तैयार हो चुके हैं। 30-35 मिनट में हमने इसको बेक किया था हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं की थी। बहुत इजी और आसान है घर में बिस्किट बनाना, आप ज़रूर ट्राई करना। इतने माशाल्लाह से खस्ता बने हैं, इतने अच्छे बने हैं। व्यूअर्स आज की हमारी रेसिपी ज़ीरा बिस्किट की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पर क्लिक करना। अगले वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।